यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में कि अमाउंट नीडेड फॉर डूइंग ऑनलाइन बिजनेस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लोन्स और द गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल फॉर द न्यू एंटरप्रेन्योर्स। कितना पैसा चाहिए होता है ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए, और दूसरी चीज ऐसी कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो न्यू और यंग एंटरप्रेन्योर्स को पैसा प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है सस्ते रेट पे और काफी सब्सिडी के साथ, और बहुत सारी जो अलग अलग खूबियां होती है वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। अमाउंट नीडेड, कितना पैसा चाहिए तो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए। तो दोस्तों ऑनलाइन बिजनेस के कई माध्यम या कई तरीके तो ऐसे हैं जहाँ पे जीरो रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर, जैसे जो सोशल मीडिया सेलिंग होती है उसमें आपको कोई पैसा इन्वेस्टमेंट या करने की जरूरत नहीं होती है, उसमें फोन ऑलरेडी सबके पास होता ही है, उसमें इंटरनेट कनेक्शन सबके पास होता ही है, ठीक है। अभी उसमें क्या कर सकते हो आप सोशल मीडिया सेलिंग में, एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ठीक है मैं, ठीक है, आपके आसपास कोई मैन्युफैक्चरर है या होलसेलर है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो आप कर सकते हो, मान लीजिए आपके मोबाइल फोन में 1000 लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, 1000 लड़कों के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आपके कॉलेज के आपके पास 1000 स्टूडेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर है, सो व्हाट यू कैन डू, आपके आसपास मान लीजिए कोई टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला बंदा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वहां से जाओगे, उससे फोटोशूट लोगे और व्हाट्सएप बिजनेस पर जाके अपना पेज बनाओगे, ठीक है, बिजनेस पेज बना के, बिजनेस अकाउंट बना के, और वहां पर अपने आपको ये प्रोजेक्ट कर सकते हो कि आपने वो बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, या आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हो या आप उसके सेलर हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसके फोटोशूट वहां पर अपलोड करके रखो, रेट डाल के रखो, और जैसे वहां नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग होती है आप इस पे डालो और ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से उसको प्रमोट करो, सब लोगों को भेज दो। मान लीजिए 1000 लोगों में से 50 लोग भी या 40 लोग भी या 10 लोग भी ऑर्डर देते हैं उन टी शर्ट्स का, तो आपको क्या करना है, आप वहां जाओगे उस मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से, वहां से माल लेके और सामने वाले को डिलीवर कर दोगे और बीच में अपना कमीशन कमा लोगे। तो ये जीरो रुपए, इसमें एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगते हैं, बट जो नए बंदे हैं जिनके पास पैसा नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो जीरो रुपए से, इस तरह से जीरो रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इन सबके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बना के यहाँ पर डाले हुए हैं, इनकी बारीकियां, आप किस तरह से जीरो रुपए से बिजनेस स्टार्ट करके करोड़ों तक का टर्नओवर घुमा सकते हो, उन सबके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, इसी कोर्स के अंदर आप समझ लोगे वो सब चीजें। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो मान लीजिए कि 30-35 हज़ार रुपये का जो सब्सक्रिप्शन आता है इंडिया मार्ट या ट्रेड इंडिया, वो सब्सक्रिप्शन आप लेके वहाँ से जो लीड्स आएगी उन लोगों को वो माल सप्लाई करना शुरू करो, वहाँ से आप अपने आप को इंडिया मार्ट या ट्रेड इंडिया पर अपने आप को एज ए होलसेलर शो कर सकते हो, ठीक है, और फिर वहाँ से जब लीड्स आती है, तो लीड्स आई, आप बात करो कि ठीक है भैया हम लोग टी शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, टी शर्ट्स होलसेलर है, या हमारे पास टी शर्ट्स का स्टॉक है आपको खरीदनी है, ये रेट है, व्हाट्सएप पे भेज दो उनको, ठीक है, वो देखेंगे उनको पसंद आएगा वो ऑर्डर करेंगे, आप वहाँ से लाओ और उनको भेज दो। आपको बीच में सिर्फ एक मीडिएटर बनना पड़ा, करना क्या पड़ा, फोन और इंटरनेट कनेक्शन ऑलरेडी आपके पास था, आपने बस इंडिया मार्ट या ट्रेड इंडिया जैसे वेबसाइट्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया, वहाँ से लीड्स आती गई और आपने वो माल भेज दिया, तो 30,000 रुपये में आपको बिजनेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ग्रो कैसे होता है, इस तरह से लोग स्टार्ट करेंगे, किस तरह से बड़ा ग्रो कर लेते हैं, उन सब के ऊपर वीडियो बना के मैंने बनाए हुए हैं, इसी कोर्स के दौरान मैं आपको आगे समझाऊंगा वो सब चीज़ें। इस वीडियो में सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि किस तरह से आप कम पूंजी में या कितने रुपए में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और फिर जैसे इससे आगे बढ़ना चाहो तो फिर 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 1 करोड़ कितना भी रुपया लगाओ बिजनेस में उतना करना है उससे आप कर सकते हो। लोन कौन कौन से अवेलेबल हैं न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो दोस्तों आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी जब आए थे तो उन्होंने मुद्रा लोन वाली स्कीम लॉन्च करी थी, ठीक है, ये तीन पार्ट में होती है। मुद्रा लोन को ही तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, सबसे छोटा था शिशु लोन, मतलब जिसको 0 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का लोन चाहिए, ठीक है, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आता है शिशु लोन में, और वहां से वो लोन लिया जा सकता है। इससे फिर आगे आती है किशोर कैटेगरी, किशोर कैटेगरी में क्या होता है 50,000 रुपए से लेके उससे आगे 5,00,000 तक का अगर कोई लोन लेता है तो वो कैटेगरी में आता है, ठीक है, तो 5,00,000 तक का लोन। अच्छा, इन लोन की ये विशेषता होती है कि ये विदाउट एनी कोलैटरल, आपको कोई एज ए गारंटी एज ए सिक्योरिटी गिरवी या रहन कुछ रखना नहीं है वहाँ पे, ठीक है, आपको ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं होगी आप पे, तो विदाउट एनी कोलैटरल, विदाउट एनी कीपिंग एनी सिक्योरिटी यू कैन टेक दिस लोन्स फ्रॉम द बैंक्स। और सबसे लास्ट में आता है इसी का तरुण नाम की जो इनका जो कैटेगरी है, ठीक है, उसमें 5,00,000 से लेकर 10,00,000 तक का आपको लोन मिल सकता है, ठीक है, तो ये प्राइवेट बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट बैंक्स हो गए, या जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज होती है, ये सब लोग ये मुद्रा लोन देते हैं। इसकी बस कंडीशन यही है, आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, रेजिडेंट प्रूफ होना चाहिए, कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड पासपोर्ट साइज फोटोज, ठीक है, और आपका अपना बिजनेस प्रोजेक्ट आप लेके जाओ, सीए से बनवा सकते हो, ठीक है, आप वो बना के लेके जाओ और उस बेस पे आपको लोन मिल जाता है। इसमें ये जरूर होता है, सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट तो पैसा रिलीज कर देती है कि ठीक है आप ये लोन बांटो,
या बैंक्स को आदेश देती है, लेकिन बैंक का जो मैनेजर होता है ना वो इजीली लोन डिसबर्स करता नहीं है, देता नहीं है। आप कितना ही अप्लाई करते रहो, थोड़ी बहुत सेटिंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है। या कई लोग ऐसा करते हैं कि पैसा वैसा खिला के भी अपने प्रोसेस को फास्ट करवा लेते हैं, ठीक है, वो वकील के थ्रू या सीए के थ्रू या जो भी उनका अगर कनेक्शन होता है, तो कई लोग ऐसा करते हैं, मैंने सुना है, ठीक है। बाकी ये जरूरी है कि आपकी कोई जानकारी होनी चाहिए, बिना जानकारी का आपको लोन नहीं देगा। फ्रेश आदमी को लोन देने से बैंक लोग डरते हैं, ठीक है। तरह से ये स्कीम, एक तो ये मुद्रा स्कीम अवेलेबल है मार्केट में। फिर इससे आगे आती है दोस्तों एक स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये भी नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट करी थी, और इसमें 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक का लोन मिल जाता है विदाउट एनी कोलैटरल, कुछ भी बिना गिरवी रखे। लेकिन इसकी खासियत यही है कि या तो ये एससी एसटी की जो एंटरप्रेन्योर है, जो बोले तो एससी एसटी कैटेगरी में जो उन जातियों के जो लोग आते हैं जो एससी एसटी कैटेगरी में आती है, तो या तो उन लोगों को ये लोन दिया जाता है, या फिर कोई फीमेल एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, तो उसको ये लोन दिया जाएगा। और तीसरी कंडीशन इसमें ये होती है कि सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स को ही दिया जाता है, बोले तो फ्रेश फर्म होनी चाहिए, पुरानी एग्जिस्टिंग जो फर्म्स है ना उनको नहीं मिलता, एकदम तो फ्रेश फर्म बनाई हो उन्हीं को मिलता है, तो 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का इसमें आपको लोन मिल जाता है। अब इनको विस्तार में जानना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके लिंक में आप किसी भी कमेंट बॉक्स में जाके डाल दीजिएगा, मैं इस पे विस्तार में वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। और फिर एक और आता है दोस्तों, ये काफी पुराना है, पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये काफी पुराना है, ठीक है, तब से ये लोन दिया जाता है। लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है जो भारत सरकार के द्वारा बैक्ड है, फिशरी का कर सकते हैं 15 से लेके 35% तक की सब्सिडी मिल जाती है उनको। आप समझो 35% तक की सब्सिडी मिलना, 50 लाख का मान लो आपने लोन लिया और 35% उसमें सब्सिडी मिल गई आपको, समझ लो 17.5 लाख तो आपको सब्सिडी ही मिल गई ना, ठीक है, और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी काफी कम होती है। तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आप गूगल पे जाके भी चेक कर सकते हो, क्या होता है, किस तरह से लिया जाता है। इस तरह से ये कुछ स्कीम्स अवेलेबल है जो मार्केट में लोन प्रोवाइड करवाती है बिजनेस स्टार्ट करने वालों को। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए आपको बनाया है एक ओवरव्यू देने के लिए।